झारखंड के लोहरदगा जिले के सुदरवर्ती अति उग्रवाद प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल और लोहरदगा लातेहार जिले के सीमावर्ती जमुनिया पानी और नारायणपुर जंगल में एक बार फिर बुधवार को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की घटना हुई है। मुठभेड़ की यह घटना बुधवार दोपहर लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। इस मुठभेड़ के बाद दोबारा माओवादियों से मुठभेड़ की घटना हुई। इसमें 5 लाख का इनामी बालक गंजू मारा गया है। आपको बता दें, बुधवार की शाम सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में मारा गया माओवादी भाकपा माओवादी संगठन का हार्डकोर सदस्य बताया जा रहा है। उसका नाम बालक गंजू है। उस संगठन में सब जोनल कमांडर था। सरकार की ओर से उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस ने उसके पास से एक हथियार और कई अन्य सामान बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि बालक गंजू लातेहार जिले के दूधा माटी गाँव निवासी स्वर्गीय मंगारा बालक गंजू उर्फ स्वर्गीय बलराम गंजू का पुत्र था। पुलिस के अनुसार बालक गंजू के खिलाफ लोहरदगा, गुमला और लातेहार जिले के विभिन्न थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। हार्डकोर माओवादी की मुठभेड़ में मारे जाने से सुरक्षा बलों का हौसला बुलंद है। पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। हाल के समय में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों की ओर से की गई फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने मोर्टार और बम से हमला बोला। सुरक्षा बलों ने माओवादियों को लक्ष्य कर फायरिंग करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब आधे घंटे तक हुई फायरिंग और धमाकों की आवाज से कई किलोमीटर दूर तक जंगल पहाड़ी क्षेत्र में सुनाई दी। इस दौरान कई राउंड गोलियां भी चली। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।